नमस्कार दोस्तों, अगर कोर्ट 156 तीन सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र एक बार रिजेक्ट कर दे तो क्या उसी घटना के संबंध में सीधे थाने पर जाकर एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं इसी पॉइंट पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हॉनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक जजमेंट के लाइट में। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ 156 तीन सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर। फ्रेंड्स, 156 तीन सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र कब दिया जाना चाहिए? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना होती है जिससे कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो उसको संबंधित थाने पर जाकर एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना चाहिए। अगर प्रार्थना पत्र देने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो जिले के एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रार्थना पत्र देना चाहिए या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी प्रार्थना पत्र आप दे सकते हैं। उस पर भी अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो आपको 156 तीन सीआरपीसी में कोर्ट में प्रार्थना पत्र देना चाहिए। और कोर्ट में जब आप प्रार्थना पत्र देते हैं, कोर्ट प्रार्थना पत्र को एग्जामिन करती है, उसके बाद थाने से रिपोर्ट मंगवाती है। रिपोर्ट आने के बाद आपके प्रार्थना पत्र और पुलिस रिपोर्ट जो थाने से आई है उसका एग्जामिन करने के बाद कोर्ट को अगर पर्याप्त आधार नहीं मिलता है तो आपके प्रार्थना पत्र को कोर्ट कर देती है खारिज। तो अब जब आपका प्रार्थना पत्र अगर खारिज कर दिया गया तो उसी घटना के संबंध में अगर आप एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये प्रक्रिया सही है? तो फ्रेंड्स, हॉनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट का ये जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है इस पॉइंट पर। और हॉनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला दिया है इस जजमेंट में। वीडियो पर अंत तक बने रहें तभी आपको दी गई जानकारी पूरी तरह से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, ये मैटर है उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का। काशीपुर कोतवाली में एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जाती है 419, 420, 467, 468, 420 BIPC में। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बलराज सिंह लांबा एंड अनदर, मतलब एक अन्य व्यक्ति, और इनके विरुद्ध एक एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है। लेकिन इस एफआईआर को रजिस्टर करवाने से पहले इसी घटना के संबंध में 156 तीन सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर कोर्ट ने पुलिस थाने से रिपोर्ट मंगवाई और उसके बाद प्रार्थना पत्र को अनुपयुक्त पाते हुए खारिज कर दिया। इस पॉइंट को छिपाकर जो इन्फॉर्मेंट है, कंप्लेनेंट है, उसने थाने पर जाकर एक एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट लग गई, कोर्ट ने चार्जशीट का कॉग्निजेंस ले लिया। जो पेटिशनर हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बलराज सिंह लांबा, इन्होंने 482 में एक पिटीशन फाइल की, लेकिन बाद में उस पिटीशन को कोर्ट ने कुछ पॉइंट पर इन्हें विड्रॉ करने की लिबर्टी दी कि आप इस पिटीशन को विड्रॉ कर लीजिए और एक एप्लीकेशन डिस्चार्ज के लिए मूव कीजिए। इन्होंने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव की मजिस्ट्रेट कोर्ट में, लेकिन उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद इन्होंने रिवीजन फाइल किया और रिवीजन में ये पॉइंट रेज किया कि इस व्यक्ति ने पहले 156 तीन सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर कोर्ट ने थाने से रिपोर्ट मंगवाई और उस प्रार्थना पत्र को अनुपयुक्त पाते हुए खारिज कर दिया। इस पॉइंट को छिपाकर इस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई और जिसका कोर्ट ने कागजात ले लिया। हॉनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस पॉइंट पर विचार किया और ये माना कि हाँ, कहीं ना कहीं जो कंप्लेनेंट है, इन्फॉर्मेंट है, उसने इस पॉइंट को छिपाकर एफआईआर दर्ज करवाई। और इस संबंध में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और भी कई अन्य जजमेंट का हवाला दिया। और उसके बाद जो पटिशनर हैं, डिविजनिस्ट हैं, रिटायर्ड कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल बलराज सिंह लांबा, इनकी रिवीजन को अलाउ कर दिया और जो चार्ज इनके अगेंस्ट बना हुआ था उसको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और इस आधार पर इनकी रिवीजन अलाउ कर दी गई। तो फ्रेंड्स, इसमें पॉइंट यही है कि 156 तीन सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अगर एक बार दिया जा चुका है तो उसी घटना के संबंध में आप दोबारा से एफआईआर सीधे थाने पर अगर रजिस्टर करवाते हैं तो कहीं ना कहीं वह विद्यमान नहीं है,
वह सही प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने एग्जामिन करने के बाद आरोप नहीं बन रहे थे, घटना कहीं ना कहीं संदेहास्पद थी, इस वजह से उस प्रार्थना पत्र को खारिज किया था। इस जजमेंट की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, आप पूरा जजमेंट देख सकते हैं। और भविष्य में अगर आपके विरुद्ध ऐसी कोई झूठी शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उस सिचुएशन में आपको भी इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि इसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू।